हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने चैनल ऑटो एक्सपर्ट में। आज हम बात करेंगे एंटोर का बेस मॉडल एंड सेकेंड है एंटोर का टॉप मॉडल जो कि एक्सपीडिशन। तो दोनों में क्या क्या फीचर मिलते हैं, क्या क्या डिफरेंस है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है सबसे बड़ी बात, कौन सी आपको लेनी चाहिए, टॉप मॉडल ले बेस मॉडल ले, ये सब हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको काफ़ी अच्छी वीडियो लगेगी एंड सबसे बड़ी बात है काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी मिलने वाली है आपको। दोनों के इंजन की बात करते हैं तो इंजन सेम है, 124.8 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, लेकिन जो बेस मॉडल है उसमें पावर कम मिलती है, उसमें 9.3 bhp मिलता है एंड जो टॉप मॉडल एक्सपीडिशन उसमें मिलता है 10.2 bhp, यानी कि पावर के मामले में एक्सपीडिशन जो है वो आगे है। दोनों की टॉप स्पीड की बात करते हैं, जो बेस मॉडल है वो 90 प्लस के टॉप स्पीड आपको आराम से मिल जाती है, लेकिन जो एक्सपीडिशन है जो टॉप मॉडल है वो कम से कम 100 प्लस चली जाएगी, यानी टॉप स्पीड के मामले में भी एक्सपीडिशन आगे है। माइलेज की बात करें तो बेस मॉडल में 47 के आसपास का माइलेज मिलता है, वहीं दूसरी तरफ एक्सपीडिशन में हमें 50 प्लस का मिल जाता है, यानी कि माइलेज के मामले में भी एक्सपीडिशन आ गया है। सबसे बड़ी बात है एंटोर एक्सपीडिशन में हमें टू ड्राइव मोड्स मिलते हैं, टू राइड्स मोड मिलते हैं, पहला स्ट्रीट मोड, सेकंड रेस मोड। तो ये चीज़ तो सबसे अलग है एक्सपीडिशन में, बाकी फ्रंट से आप लोग देख सकते हो। इसमें हेलोजन बल्ब के साथ बेस मॉडल में अपने को लाइट मिलती है एंड वहीं दूसरी तरफ हम टॉप मॉडल की बात करते हैं एक्सपीडिशन में तो वो LED मिलती है, यानी कि एक्सपीडिशन में LED एंड बेस मॉडल में हेलोजन बल्ब के साथ लाइट मिलती है। बाकी सिर्फ लाइट का चेंज है, बेस मॉडल में हेलोजन बल्ब मिलती है एंड जो टॉप मॉडल है उसमें LED मिलती है, बाकी लुक्स बिल्कुल सेम है आगे से। फ्रंट मडगार्ड जो मेटल का मिलता है, टॉप मॉडल में भी मेटल का दिया गया है, बाकी फाइबर बॉडी है एंड दोनों में फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, बेस मॉडल में भी एंड टॉप मॉडल में भी डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे मिलेगी ड्रम ब्रेक्स दोनों में ही। बाकी लेग रूम दोनों में ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है, 125 बैचिंग मिलती है बेस मॉडल में भी, राइट साइड में भी, बाकी ग्राफिक्स तो ऑलमोस्ट सेम है, लेग रूम भी सेम ही है बिल्कुल। एंड ग्राउंड क्लियरेंस 155 का मिलता है दोनों में ही, ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल सेम है दोनों का ही। बाकी एक्सपेक्टेशन में भर भर के ग्राफिक्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे रेस लिखा हुआ है, लेकिन बेस मॉडल में कुछ नहीं है, वो बिल्कुल प्लेन मिलता है, उसमें कोई ग्राफिक्स नहीं है। एंड बाकी पीछे की तरफ आते हैं तो आप पीछे लुक देख सकते हो, दोनों के बिल्कुल सेम है, दोनों में LED बैक टेल लैंप मिलती है, लेकिन जो चारों इंडिकेटर जलाने का ऑप्शन है वो सिर्फ टॉप मॉडल में मिलता है, वो आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता चारों इंडिकेटर जलाने का ऑप्शन, ये देखो। बाकी पीछे से लुक्स बिल्कुल सेम है। एंड अगर व्हील की बात करें तो ब्लैक कलर के व्हील मिलते हैं बेस मॉडल में एंड वहीं दूसरी तरफ रेड कलर के मिलते हैं टॉप मॉडल में। एंड जो एग्जॉस्ट है वो भी सेम है, ये देखो एग्जॉस्ट टेल पाइप बिल्कुल सेम है दोनों में ही, साइड से आप देख सकते हो। रेड कलर का इंजन फैन मिलता है टॉप मॉडल में एंड वहीं दूसरी तरफ रेड कलर का इसमें मिलता है, दोनों में ही रेड कलर का इंजन फैन देखने को मिलता है। एक बार बेस मॉडल की बूट ओपन करते हैं, देखते बेस मॉडल में हमें क्या मिलता है बूट स्पेस में। तो बूट स्पेस तो बिल्कुल सेम है दोनों में, 22 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, ये लाइट मिलती है, USB पोर्ट दोनों में दिया गया है, बाकी बूट तो सेम ही है। एक बार एक्सपीडिशन की भी देख लेते हैं उसमें क्या मिलता है, ये देखो इसमें भी सेम ही मिलता है, इसमें OPD मिलता है, USB पोर्ट, लाइट मिलती है, 22 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। तो बूट स्पेस के मामले में दोनों बराबर है, रेड स्टिचिंग दोनों में मिलती है। एक बार बेस मॉडल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करते हैं, दोनों में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें हम नेविगेशन, मोबाइल कनेक्टिविटी, स्पीड, फ्यूल वार्निंग, टाइम, ये सब शो होता है। ये नीचे मोड का बटन मिलता है, आप ट्रिप को यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंड वहीं दूसरी तरफ एक्सपेक्टेशन में भी सेम मिलता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बाकी हाई बीम लो बीम के लिए मिलता है, ये नीचे हॉर्न एंड इंजन स्विच मिलता है एंड ये लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, ये नीचे स्टार्ट करने का स्विच मिलता है। एंड वहीं दूसरी तरफ हम एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, एक बार इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, तो इसमें भी सेम मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिल्कुल सेम है, स्पीड, टाइम, इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल कनेक्टिविटी, ये बटन मिल जाते हैं। टॉप मॉडल के हैंडल में हाई बीम लो बीम के लिए इंडिकेटर जलाने का स्विच, नीचे हॉर्न, इंजन स्विच एंड चारों इंडिकेटर जलाने का स्विच, नीचे जो बटन है ये सबसे चेंज है, वॉइस कमांड मोड का बटन, यानी कि रेस मोड है, स्ट्रीट मोड आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, बाकी यहाँ नीचे हुक मिल जाता है। हैंडल फीचर की बात करें तो टॉप मॉडल में हमें ज़्यादा फीचर देखने को मिलते हैं, बाकी स्टाइल बिल्कुल सेम है दोनों में, हैंडल पोजीशन बिल्कुल सेम देखने को मिलती है। टॉप मॉडल में हमें चारों इंडिकेटर जलाने का ऑप्शन मिलता है, बेस मॉडल में नहीं मिलता। टायर साइज बिल्कुल सेम है, 90x90 के दोनों ही टायर साइज मिलते हैं।
दोनों में 12 इंच के अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। यही दोनों में कुछ डिफरेंस था, दोनों में क्या क्या चेंज मिलता है, क्या क्या कुछ अलग मिलता है। एंड अगर फीचर्स की बात करें तो एक्सपेक्टेशन में हमें ज़्यादा फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे 4 इंडिकेटर जलाने का स्विच एंड सबसे बड़ी बात है रेस मोड, स्ट्रीट मोड, वॉइस कमांड का बटन। जैसा कि आप देख सकते हो एक्सपेक्टेशन हर चीज़ में आगे, पावर में भी कितनी आगे है। अगर बेस मॉडल की प्राइस की बात करता हूँ मैं तो 85,000 के आसपास का प्राइस है, ठीक है भाई, एंड टॉप मॉडल का 1 लाख के आसपास का। तो क्या आपको लगता नहीं 10-15 हज़ार दे के आप एक्सपेक्टेशन ले सकते हो, यानी कि एंट्रो का टॉप मॉडल? क्योंकि आपको 10-15 हज़ार की तो बात है, इतने ज़्यादा फीचर्स आपको मिल रहे हैं तो क्या बुराई है 10-15 हज़ार में यार। बाकी कैसी लगी वीडियो बता देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। यही था कुछ कंपेरिजन रिव्यू, गुड लक।